कह रहे थे ना अरविंद जी महाराज जी, बहुत वास्तव में राष्ट्रीय कथावाचक है, पर इनकी दीनता है, क्योंकि वृक्ष जब बहुत फर जाता है तो डगारे नहीं झुक जाते। अरविंद जी बहुत फर चुके हैं विद्वत्ता से, भक्ति से फर चुके हैं, जितने फर गए उतना ही नहीं झुक गए। इनका बड़प्पन है कि अपनी दो तीन कथाएं कैंसिल करके इस आयोजन को करा रहे हैं, और इनका हमारे प्रति बहुत स्नेह है, और वो मेरे पास शब्द नहीं है मैं मंच से बखान करने के। वहाँ आओ और अरविंद जी को ऐसे रहे कि कौन गूंगा को गोर को आगे, और फिर उसे पूछो कि कितो मीठो है, तो वो गूंगा जान तो जाते हैं कि कितो मीठो है, पर वो गूंगा में दम नहीं है बतावे की आशा में बोलेंगे बात हमारे अरविंद जी महाराज। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और कथा में तो हमारे लिए जो रस प्राप्त हो रहा है वो तो अद्भुत है ही, लेकिन आज गुरुदेव का दिव्य नाम हमें मालूम चला, वो एक हृदय की अत्यंत आनंदमय अनुभूति है। तो बिल्कुल केवल एक मिनट आप सभी का चाहता हूं, ये जो आयोजन आपके और हमारे बीच में है ये आप सभी का है, और आप सभी के पूर्ण सहयोग से भव्यता और दिव्यता के साथ सुचारू रूप से यह गतिमान हो रहा है। और इसी के मध्य चूंकि अभी गुरुदेव की चर्चा भी हो रही थी कि इनके लिए हमारे भारत के प्रमुख संतों के द्वारा और कामन पीठाधीश्वर जगतगुरु जी महाराज के द्वारा राष्ट्रीय संत की उपाधि दी गई है, और राष्ट्रीय संत के पद की गरिमाएं बहुत हैं, और उसी पद की गरिमा के अनुरूप प्रतिवर्ष पूज्य गुरुदेव महाराज से हमने रात्रि में ही आशीर्वाद लिया है। तो आज से अब प्रतिवर्ष एक आयोजन गुरु जी का, प्रतिवर्ष अलग अलग तीर्थों में होगा, प्रत्येक तीर्थों में, और उन कार्यक्रमों का श्री गणेश करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने सर्वप्रथम श्री गिरिराज परिक्रमा को चुना है कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, और 21 किलोमीटर की परिक्रमा में 3 किलोमीटर प्रतिदिन यात्रा जाएगी, 3 किलोमीटर प्रतिदिन यात्रा जाएगी। इसी प्रकार से 7 × 21 सात दिन की यात्रा हो गई, 3 किलोमीटर यात्रा जाएगी, और वहां पर यात्रा विश्राम होगी, भजन कीर्तन गायन नृत्य नाचते झूमते गाते आप और हम ब्रज रज में लौटते हुए वो 3 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, और फिर वहां पर यात्रा विराम होगी। वहीं पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा आपको और हमें दिव्य सत्संग प्राप्त होगा, और वहीं रात्रि विश्राम होगा, फिर दूसरे दिन फिर 3 किलोमीटर यात्रा चलेगी। अब ये प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होना है, तो आज से इसका श्री गणेश, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी की कथा का पहली कथा का श्री गणेश भी महादेव मंदिर में राष्ट्रीय संत की उपाधि के बाद पहली दिव्य कथा का श्री गणेश महादेव मंदिर प्रांगण जैसी नगर ब्लॉक ग्राउंड में, तो फिर इस दिव्य आयोजन की घोषणा का श्री गणेश भी आपके जैसी नगर महादेव मंदिर प्रांगण में। तो और उसमें पृथक पृथक अलग अलग जैसे यहाँ यजमानों की व्यवस्था है, वहां भी यजमानों की व्यवस्था रखी जाएगी, सबके लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी, सबके लिए वहां रहने की व्यवस्था की जाएगी, सबके भोजनों की व्यवस्था की जाएगी, और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से की जाएंगी। बस आप लोगों को केवल अभी पूज्य गुरुदेव जी से चूंकि बाहर से कार्यक्रम होगा, तो आगामी कार्तिक बैसाख के बाद में, बैसाख में या जेठ के महीने में जब भी गुरुदेव की आदेश होगा सुलभ होगा, तो बैसाख में या जेठ के महीने में वह यात्रा गर्मियों में आप और हम लेकर के चलेंगे, और उसमें जिनको भी सम्मिलित होना है, जिनको भी यजमान बनना है, वो आप अपना नाम यहाँ पर
या हमारा जहां दान काउंटर है वहां पर लिखवा सकते हैं। उसमें कुछ नाम तो आज से ही शामिल हो गए। पहला नाम पूज्य गुरुदेव के माताजी और पिताश्री जो कि यजमान बनकर के वहां जाएंगे। दूसरे हमारे कथा के जो मुख्य यजमान श्री सत्यनारायण स्वामी जी हैं, जिनका पूरा परिवार ही इस आयोजन में तन मन धन से समर्पित है, इनकी माताजी भी उस कार्यक्रम की मुख्य यजमान बनकर के वहां पर जाएंगी। और जिनको भी और सम्मिलित होना है उस दिव्य आयोजन में आप अपना अपना नाम लिखवाएं। और अभी यह कार्यक्रम, यह दिव्य कथा, यह श्री शिव महापुराण का जो वाचन आप लोग पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण कर रहे हैं, वह अभी 3 दिनों तक और आपको और हमें यह संयोग प्राप्त है। तो आपको सभी को आना ही है और आपकी इस अपार जन सैलाब को देख करके हम बिल्कुल अभिभूत हैं। और ऐसे ही आप सभी पधारते रहें। और अभी ग्राउंड खाली है, पंडाल तो भर गो, लेकिन हमें ग्राउंड भरो चाहने हैं। देखो पंडाल भर गो वो तो अभी हमें संतुष्टि नहीं है, हमारी संतुष्टि जब हुई है जब जो ग्राउंड भरे। तो आपको और हमें सबको मिलकर के, सबको तो पधार नहीं है और साथ में अपने इष्ट मित्रों को लेकर के भी आना है। और इसी मध्य में बड़े भैया गुलाब भैया जी भी पधार रहे हैं। सभी लोग बिल्कुल पूरा परिवार पूज्य गुरुदेव के लिए सादर समर्पित सदा से रहा है। कल मंझले भैया आए थे और आज बड़े भैया, और हो सकता है कल छोटे भैया भी आ जाएं। ठीक है, स्वागत है बड़े भैया का। और बिल्कुल ऐसे ही आप लोग अपना अपना सहयोग प्राप्त सहयोग देते रहें। हाँ, और एक और अभी जो गिरिराज परिक्रमा के यजमानों की चर्चा चल रही है, उसमें पीयूष भैया हमारे महाराज जी हैं पंडित जी, उनकी माता जी भी मुख्य यजमान के रूप में गिरिराज परिक्रमा में जाएंगी। और बड़े भैया यहाँ करके गुरुदेव को माल्यार्पण करें, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलो साहब रे सरकार की। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।
इस कथा परिसर में धर्मात्मा धर्म पुरुष बड़े भैया श्री गुलाब सिंह राजपूत जी उपस्थित हैं। उनका बहुत 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 मान व्यासपीठ से खूब खूब आशीर्वाद। आपका मंगल हो, आपके मंगल से ही क्षेत्र का मंगल हो, ऐसी भगवान से भोलेनाथ से मंगल कामना। हम लोग राजा दक्ष की चर्चा को सुन रहे थे। कलश स्थापित करके नवारा मंत्र का पुष्करण तपोश्चरण करके और मां की आराधना की भगवती की, जब हाथ जोड़ करके राजा दक्ष ने प्रार्थना की भगवती अम्बा से, मैया यारतिया जग देखत हो रूप अनेक सदा धरती, जो जन आन करे विनती तासो मनोरथ सो करती, क्षण में सुख संपत्ति दान दियो, क्षण में दुख दारिद सो हरती हो, मोह पुकारत देर भई जगदम्बे विलंब कहाँ करती।